brought to you by Khata Book. इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। मार्च 2019 में इराक और सीरिया से आईएसआईएस आतंकवादियों का पूरी तरह सफाया हो गया। अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन सेना ने या तो उन्हें मार गिराया या खदेड़ दिया। अमेरिका ने आईएसआईएस सरगना अबू बकर अल बगदादी को भी मार गिराया। इसके बाद लोग ये समझने लगे कि आईएसआईएस हार गया। विशेषज्ञ ये मानने लगे कि बगदादी के साथ ही उसका आतंकवादी संगठन भी खत्म हो गया, लेकिन ये सही नहीं है। आईएसआईएस भले ही इराक सीरिया से उजड़ गया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। उसने अपना नाम बदल लिया है, लेकिन क्रूरता में अपने पुराने संगठन जैसा ही है। इराक सीरिया के बाद अब वो अफ्रीका को अपना गढ़ बना रहा है। इस बारे में पेंटागन ने भी दुनिया को आगाह किया है। वेस्ट पॉइंट्स कॉम्बैटिंग टेररिज्म सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस ने अफ्रीका में खुद को फिर से स्थापित कर लिया है। आईएसआईएस ने वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका, सिनाई पेनिनसुला में काफी मजबूती से पैर जमा लिए हैं। इन तीनों जगहों पर वो अलग अलग नाम से सक्रिय है। उत्तर पूर्व नाइजीरिया में आईएसआईएस काफी मजबूत है। यहाँ इसका नाम है इस्लामिक स्टेट वेस्टर्न अफ्रीकन प्रोविंस यानी आईएसवैप। कांगो और मोजाम्बिक में इसका नाम है इस्लामिक स्टेट सेंट्रल अफ्रीकन प्रोविंस यानी आईएससीए। और सिनाई प्रायद्वीप में ये इस्लामिक स्टेट सिनाई पेनिनसुला यानी आईएसएसपी नाम से सक्रिय है। इन सारे इलाकों में आईएसआईएस उतना ही हिंसक और क्रूर है जितना वो इराक और सीरिया में था। इन इलाकों पर हमले और यहाँ के लोगों पर जुल्म अब आम होता जा रहा है। आईएसडब्ल्यूएपी नाइजीरिया के अलावा नाइजर, कैमरून, चाड, माली और बुर्किना फासो पर हमले कर रहा है। मार्च 2020 में आईएससीएपी ने 48 घंटे में कैबो डेलगाडो प्रांत के दो शहरों पर कब्जा कर लिया। इसी से आप इसकी बढ़ती ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। अगस्त 2020 में आईएससीएपी ने मोजाम्बिक के बंदरगाह शहर मैकिम्बोआ द प्राइया पर कब्जा कर लिया। इस शहर की आबादी 1,00,000 है। अफ्रीका में भी आईएसआईएस ने इराक सीरिया वाली सारी करतूतें शुरू कर दी हैं। वो महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाकर मोजाम्बिक के जंगलों में ले जा रहे हैं। आईएस आतंकवादियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वो स्थानीय युवकों को आतंकवादी बना रहे हैं, जो मना कर रहे हैं उनकी हत्या की जा रही है। साल 2017 में उन्होंने मोजाम्बिक में 1500 से ज्यादा लोगों की हत्या की। यहाँ के खूबसूरत द्वीपों पर भी आईएसआईएस आतंकवादियों का कब्जा हो चुका है। यहाँ के द्वीपों पर छुट्टियां मनाने तमाम सेलिब्रिटी पहुंचते थे। आईएसआईएस के बढ़ते आतंक से निपटने के लिए सभी अफ्रीकी देशों की सरकारों को एकजुट होना होगा। अगर उन्होंने देर की तो स्थिति काफी विस्फोटक हो जाएगी।